गर्मियां आते ही वानरों की भीड़ शहर में दौड़ पड़ती है और लोगों के घरों के सामान नष्ट कर देती है। लेकिन पिछले एक महीने से भंडारा शहर के व्यस्त स्थान बड़ा बाजार के सुरेश होटल में एक वयस्क बंदर मंगलवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे के बीच आता है और अपनी सामान्य टेबल पर बैठ जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टेबल पर कोई और बैठा है या नहीं। पिछले कई दिनों से उसकी यही दिनचर्या है और उसके आने पर होटल मालिक उन्हें नाश्ता और पानी भी देते हैं। भंडारा शहर में चल रही इस मेजबानी की तस्वीरें आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस बंदर को कभी सब्जी की दावत मिलती है तो कभी समोसे कचौरी की। अब तो होटल में आने वाले ग्राहक भी इस बंदर के दोस्त बन गए हैं और वो इसके पास नाश्ता ऑफर करने से नहीं चूकते। इसके अलावा ये बंदर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नाश्ता और पानी पीकर निकल जाता है। खास बात तो ये है कि ये बंदर सिर्फ इन दो दिनों जैसे कि मंगलवार और शनिवार को ही होटल में आता है। बाकी दिनों में ये कहां जाता है और क्या खाता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आठवड्यातून एक दोन दिवस येतो, शनिवार मंगळवार जसा टाइम भेटला त्यानुसार नाश्ता वगैरे द्यायचा, त्याने कोणाला तकलीफ न देता चालायचं। जवळजवळ एक दोन महिने झाले। अपंग आहे तो अपंग असल्यामुळे त्याला द्यायला पाहिजे। तो इन निश्चित दिनों में कई लोग होटल में आने वाले इस बंदर को देखने आते हैं। होटल मालिक बबन पंचभाई का कहना है कि ये बंदर पिछले एक महीने से उनके होटल में आ रहा है। पहले दिन जब वो होटल में पहुंचा तो ग्राहक डरे हुए थे, लेकिन वो आकर चुपचाप बैठा रहा और उसे कुछ नाश्ता दिया गया तो उसने नाश्ता किया और पानी पीने के बाद शांति से चला गया। उसके बाद से हर मंगलवार और शनिवार को अब वो इस होटल में नाश्ता करने आता है। इस बंदर के मेज़बानी के चर्चे फिलहाल भंडारा शहर में आम हो गए। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।